हेलो बच्चों, बेटा हम करें नाइन्थ क्लास का स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला चैप्टर कर रहे हैं और आज हम इसका थर्ड लेक्चर करेंगे। तो पहले के जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर हमने क्या सीखा, हाउ द फंडामेंटल पार्टिकल्स वर डिस्कवर्ड। जो फंडामेंटल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी डिस्कवरी कैसे हुई, इनकी डिस्कवरी का पता लगने के बाद फिर हमने किए मॉडल्स ऑफ एटम, मॉडल्स ऑफ एटम। और एटॉमिक मॉडल्स में हमने तीन मेन मॉडल्स किए हैं। कौन कौन से थे? थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, दूसरा रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल और थर्ड था बोहल्स एटॉमिक मॉडल। तो तीन मॉडल हमने किए हैं। इन सब में जो सबसे सही मॉडल रहा वो थर्ड मॉडल था, बोहल्स एटॉमिक मॉडल। बोहल्स एटॉमिक मॉडल वाज फाउंड टू बी मोस्ट एप्रोप्रिएट अमंग द रेस्ट ऑफ एटॉमिक मॉडल्स। इस मॉडल में क्या-क्या बातें बताई गई थी? देखो, जो एक एटम होता है, एटम में एक न्यूक्लियर पार्ट होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स वो पाए जाते हैं और इसके चारों तरफ में सर्कुलर रिंग्स पाई जाती हैं इस तरह से। और इन सर्कुलर रिंग्स का नाम रखा गया था, देवर नोन एज ऑर्बिट और शेल। इनके दो नाम होते हैं तो दोनों का यही मीनिंग है कि जो एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, अंदर की तरफ सबसे अंदर जो होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से बना होता है। न्यूट्रॉनों पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉनों पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस के पास कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इसमें जिस चीज पर पॉजिटिव चार्ज हो प्रोटॉन और वो इसके अंदर की तरफ पाए जाते हैं। इसलिए पूरे न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज माना जाएगा? पॉजिटिव चार्ज माना जाएगा। और बाहर की तरफ जो ऑर्बिट या शेल हमने बनाए हैं, इसके अंदर बोर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को हमने दिखाया डॉट स्ट्रक्चर से लाइक दैट, इस तरह। सो इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन दिस सर्कुलर रिंग्स और इन दिस ऑर्बिट और शेल्स। तो ये था बोहर्स का एटॉमिक मॉडल, ये आपको रिवाइज करना है। अब हम बात करेंगे कुछ पॉइंट्स को लेकर के अबाउट एटम, एटम की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, और वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? फर्स्ट है एटॉमिक नंबर। हर एटम का कोई ना कोई नंबर होता है, यानी कि हर एलिमेंट का कोई ना कोई नंबर होता है, उसे हम बोलते हैं उसका एटॉमिक नंबर। व्हाट इज दिस एटॉमिक नंबर कंपोज्ड ऑफ? एक एटम में मिलने वाली वो कौन सी चीज है जो एटम को या एलिमेंट को उसका एटॉमिक नंबर देती है? उसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के नाम से। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इन द न्यूक्लियस इज नोन एज इट्स एटॉमिक नंबर। तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर क्या है? इसमें शेल। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सिर्फ प्रोटॉन जो होते हैं उनके नंबर को ही क्या कहेंगे फिर हम? एटॉमिक नंबर के नाम से। तो किसी भी एटम के अंदर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखना आपको, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर एक्सेप्ट रेडियो एक्टिव एटम जो होते हैं, जो रेडियो एक्टिव एटम्स होते हैं या जो एलिमेंट होते हैं ना, उनको छोड़ करके बाकी किसी भी एटम के न्यूक्लियस को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। यानी कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मिलने वाले प्रोटॉन हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, फिक्स रहेंगे, वो कम या ज्यादा नहीं हो सकते। ऐसे इसके अंदर मिलने वाले न्यूट्रॉन से, क्योंकि जब न्यूक्लियस डिस्टर्ब नहीं होगा तो न्यूक्लियस में मिलने वाले प्रोटॉन भी डिस्टर्ब नहीं होंगे और उसमें मिलने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो डिस्टर्ब कौन होंगे? जो बाहर की तरफ मिलते हैं, और बाहर की तरफ में क्या मिलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। खैर, पहले पॉइंट पर आ जाते हैं। क्या था? एटॉमिक नंबर। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मिलने वाले प्रोटॉन्स की नंबर को, प्रोटॉन्स की संख्या को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। सबसे बड़ा खास पॉइंट इसमें यह है कि हर एटम के अंदर प्रोटॉन की संख्या अलग-अलग होती है। किस
किसी भी दो अलग एटम्स के अंदर प्रोटॉन की संख्या कभी भी सेम नहीं होती। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज फाउंड टू बी डिफरेंट इन एवरी डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। इसलिए हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा, अलग होगा, तो सेम होने का चांस ही नहीं होता। सो एटॉमिक नंबर आर ऑलवेज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स। सेकंड पॉइंट है एटॉमिक मास। एटम के अंदर मास, एटम के अंदर जो मास वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में होता है। इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन न्यूट्रॉनों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा ही हल्के होते हैं, इसलिए उनका जो मास होता है उनका मास एटम के मास में ना के बराबर कंट्रीब्यूशन करता है। तो मेन जो एटम का मास है वो कौन बनाएंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक मास क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये दो चीज। एक न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे और जितने न्यूट्रॉन, दोनों ही चीज जितनी होंगी उनके नंबर को क्या कहेंगे, एटॉमिक मास। क्योंकि इसमें वजन है, इसमें वेट है, दोनों चीजों में वजन हो गया तो टोटल एटम का मास बन जाएगा, इसलिए बन गया एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को हम एलिमेंट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके सिंबल के साथ में, तो ये करेंगे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। कैसे रिप्रेजेंट करें, मान लो H किसी एलिमेंट का सिंबल हो गया, जैसे नाइट्रोजन का सिंबल N, ऑक्सीजन का सिंबल O, फास्फोरस का P, तो H किसी एलिमेंट का सिंबल हो गया। इसके बेस में यानी इसके नीचे की तरफ में लिखेंगे एटॉमिक नंबर। लेफ्ट की साइड में लिख सकते हो, राइट की साइड में लिख सकते हो, किसी भी साइड में लिख सकते हो। और जो टॉप पोजिशन जो है इसकी, ऊपर वाली जो जगह है यानी ऊपर वाली जो स्पेस है, इसके ऊपर लिखा जाता है एटॉमिक मास। ये हो गया एटॉमिक मास। तो मास जो होता है यानी कि वजन जो होता है, इट इज कैरिड ऑन द टॉप, सर के ऊपर रखा जाता है, इसलिए एटॉमिक मास को कहां दिखा दिया, सिंबल के ऊपर की तरफ में, और एटॉमिक नंबर दिखाया नीचे की तरफ। एक एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर यानी कि नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन होते हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 7। तो उसके न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन है और 7 उसमें न्यूट्रॉन है, तो वेट कितना हो जाएगा उसका, 14। दोनों को ऐड करेंगे कितना बनेगा, 14। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक मास एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक नंबर अलोंग विद द सिंबल ऑफ एलिमेंट। इस तरह से हम ये दो प्रॉपर्टीज को एटम के रिप्रेजेंट करेंगे, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को। अब हम कुछ आगे की तरफ में बात करें एटम को लेकर के, तो ये देखो जो एटम होता है, जो एक न्यूट्रल एटम होता है, थर्ड पॉइंट चल रहा है न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम का मतलब होता है एक ऐसा एटम जिसने ना इलेक्ट्रॉन लूज किए हो ना गेन किए। देखो प्रोटॉन और प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है उनके लूज गेन करने का तो प्रश्न ही नहीं बनता, क्योंकि वो अंदर की तरफ है, तो लूज या गेन जो भी चीज होंगी वो कौन होगी, जो बाहर की तरफ मिल रहे, और बाहर की तरफ कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि जो न्यूट्रल एटम जिसे हम कह रहे हैं उसके अंदर प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों क्या होते हैं उसमें बराबर होते हैं, इसलिए पूरा एटम कैसा होगा, न्यूट्रल चार्ज का। मान लो उसमें 10 प्रोटॉन है, जिसका मतलब क्या हो गया, 10 पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके अंदर 10 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो 10 पॉजिटिव चार्ज किसके बराबर होंगे, 10 नेगेटिव चार्ज के, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, जीरो बना देंगे। तो एक जो न्यूट्रल एटम होता है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों बराबर होते हैं, इसलिए वह एटम कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, इट हैज नो चार्ज। जब आयन बनता है, आयन फॉर्मेशन, जब एक एटम आयन में बदलता है, आयन फॉर्मेशन का काम होता है, तो इट कैन डू आइदर ऑफ द टू एक्टिविटीज, दो काम में से ये एक काम कर सकता है। कोई एटम है, एटम मान लिया जाए ये ए एटम है, तो ये दो काम कर सकता है, या तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बाहर की शेल में से निकल जाए, या फिर ये क्या करेगा, बाहर की शेल में बाहर से इलेक्ट्रॉनों को गेन कर ले। मान लो कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर से मिलने वाला कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, वो आएगा तो किस में आएगा, बाहर वाले शेल में, और निकलेगा तो क्या होगा, बाहर की शेल से निकले। तो दो काम, या तो इलेक्ट्रॉन किसी एटम से जा सकते हैं या एटम के अंदर आ सकते हैं, तो ए नाम का कोई एटम हो गया, या तो इलेक्ट्रॉनों को लूज करेगा या फिर वो क्या करेगा, गेन करेगा।
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम से बात चल रही है, ये न्यूट्रल एटम अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो देखो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या थे, दोनों बराबर थे। अब अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो गया उसमें से, मान लो एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, ये ए एटम इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इसमें से लूज हो गया तो ज्यादा कौन हो जाएंगे, ये तो हो गए 9 और ये हो गए 10, तो प्रोटॉन क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो कौन सा चार्ज बढ़ गया एटम के अंदर, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, इसलिए एटम के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और चार्ज आते ही क्या बन गया, आयन बन गया। तो ये बन गया किसके अंदर, आयन बन। जब तक इसने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं करे हैं तब तक तो वो क्या है, न्यूट्रल एटम। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इनके बीच का बना हुआ जो बैलेंस था ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के निकलते प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, और प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो वो एटम पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इसलिए अभी चार्ज आते क्या बन गया, वो एटम आयन बदल गया। और पॉजिटिव वाले चार्ज आयन को हम क्या बोलते हैं, कैटायन, इट इज नोन एज कैटायन, ये कैटायन। और अब मान लो यही एटम ये इलेक्ट्रॉनों को ले ले, पहले क्या इसके पास 10 10 बराबर है, तो न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बराबर। अब मान लो कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करे, बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन लेगा, अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉनों को लेगा तो वो क्या हो जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉनों के नंबर 10 थे, अब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो क्या हो गए, 11 हो गए, लेकिन प्रोटॉन तो उतने रहे क्योंकि प्रोटॉन तो अंदर की तरफ, वो तो कम ज्यादा हो नहीं सकते, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, अब इलेक्ट्रॉन बढ़ने का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा तो उस पर कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो किस जैसे ये चार्ज आएगा तो क्या बन जाएगा, आयन बदल जाएगा, और कैसा आयन होगा ये, इसको हम बोलेंगे एनायन, यानी कि नेगेटिव चार्ज का आयन, या ऐसा एटम जिस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, या ऐसा एटम जिसने इलेक्ट्रॉनों को गेन कर लिया हो, उसे हम क्या बोलेंगे, एनायन के नाम से। अब मान लो कोई एटम है वो दो इलेक्ट्रॉनों को लूज करे, तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने से एक प्रोटॉन बढ़ जाए, तो दो इलेक्ट्रॉनों को कोई लूज करेगा तो दो प्रोटॉन बढ़ जाएंगे, तो इसलिए चार्ज कितना हो जाएगा उसके पास, प्लस 2 हो जाएगा। यही उल्टा कर दो, अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एक नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, दो इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा तो दो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, नाम वही रहेगा, पॉजिटिव वालों को हमेशा कैटायन कहेंगे, नेगेटिव वालों को हमेशा एनायन कहेंगे। अब मान लो कोई दो इलेक्ट्रॉन की वजह 3 इलेक्ट्रॉनों को लूज करे, 4 को लूज करे, या ज्यादा को लूज करे, तो उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, उतना ही बढ़ जाएगा। तो हमने कर दिया प्लस एन, अगर एक इलेक्ट्रॉन तो प्लस 1, दो इलेक्ट्रॉन लूज किया तो प्लस 2, जितना लूज करेगा उतना ही प्लस डिजिट लगा, ऐसे ही क्या हो जाएगा, माइनस एन, जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतने डिजिट हम यहाँ लगा देंगे। सो इन दिस वे आयंस आर फॉर्म, इस प्रकार से आयन बनते हैं। अब हम करते हैं हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन एटम, एटम की बात कर रहे हैं, आयंस की नहीं कर रहे, आयन का पॉइंट खत्म हो गया, आयन कैसे बनते हैं, कैटायन कैसे बनेगा, एनायन कैसे बनेगा, वो हो गया हमारा। अब हम कर रहे हैं हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन एटम, एक जो एटम होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो बोहर ने क्या बताया था, बोहर ने बताया था कि एटम में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, इसके बाहर की तरफ में कंसेंट्रिक रिंग्स होती हैं, शेल होती हैं, और इनका नाम रखा था शेल या ऑर्बिट। अब इन शेल और ऑर्बिट्स में किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसे हम बोलते हैं हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन एटम। जो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड शेल में कितने होंगे, थर्ड में कितने होंगे, वो भी बोहर ने बताया था, बोहर ने बताया था हाउ इलेक्ट्रॉन्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी शेल्स। उसके लिए उसने फॉर्मूला बताया था फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसने बताया 2 a 18 18 30, ये फॉर्मूला बताया, जिसमें से मोस्टली जो यूज होगा फॉर्मूला दैट विल बी अप टू देयर, अधिकतर का ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। यानी अब इसका मीनिंग क्या है कि फर्स्ट शेल जो होगा इट कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ, ज्यादा से ज्यादा दो, कम कितने हो सकते हैं, एक या दो। जो सेकंड शेल होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, ज्यादा से ज्यादा 8 हो सकते हैं। अगर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसमें नहीं रह सकते, वो आगे चले जाए,
अब मान लिया जाए एग्जाम्पल में कोई एलिमेंट है, मान लो ई एलिमेंट है, उसके पास में प्रोटॉन की संख्या 9, इट हैज 9 प्रोटॉन, यानी कि एटॉमिक नंबर कितना हो गया 9, और उसमें अगर प्रोटॉन 9 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 9 होंगे, तो प्रोटॉन 9 तो कहाँ हो जाएंगे अंदर की तरफ में, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो कहाँ होंगे बाहर वाले शेल में, तो 9 इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे इसके अंदर, तो उसका रूल क्या हुआ कि जो फर्स्ट शेल है 9 में से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं, तो हम 1 2 ये दो बना लें, चाहे तो आप इनके साथ नेगेटिव भी दिखा सकते क्योंकि ये एक डॉट एक इलेक्ट्रॉन भी दिखा रहे, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए हमने नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट किया, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, अब कितने बच गए इसके पास में 7 बच गए, तो नेक्स्ट जो सेल है इसमें लिमिट क्या है 8 इलेक्ट्रॉन है, बचे कितने 7, तो 7 तो इसमें आ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप ये सोचिए कि 2 इलेक्ट्रॉन की बजाय हम इसमें 1 भर दें और बचे हुए 8 जो है वो आगे की तरफ में कर दें, इट इज नॉट अ करेक्ट मेथड ऑफ फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स, पहले जो शेल उसमें 2 आ सकते हैं पहले में 2 ही भर लें, नेक्स्ट ऑर्बिट में 8 आ सकते हैं पहले 8 कंप्लीट कर लें फिर बचेंगे तो आगे की तरफ ले जाना, ऐसे नहीं करना कि 7 बच रहे थे 5 यहाँ कर दिए 1 यहाँ कर दिया 2 वहाँ कर दिए, कैन नॉट बी डन बाय, ऐसे नहीं करेंगे, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन, अब मान लिया कोई दूसरा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 11, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना हो यानी कि इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, इलेक्ट्रॉनों की डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नाम से, इट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स में दिखाना कि सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द मोर एप्रोप्रिएट वर्ड, सबसे अच्छा वर्ड क्या है इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना कि सेल में कितने होंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो कितना हो जाएगा फर्स्ट सेल में 11 में से फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2, तो 2 हो गए, बाकी कितने बच गए अब इसके पास में 9, तो सेकंड सेल में कितने मैक्सिमम हो सकते हैं 1, तो 9 में से आप 1 इसमें भरो, अब जो 1 बच गया वो अगले सेल में चला जाएगा, तो ये हो लाइक दैट यू कैन प्रैक्टिस द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 to 30, उन एलिमेंट्स का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, 1 से लेकर के 30 तक के जो एलिमेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है बाय योर प्रैक्टिस, यहाँ जो ई हमने लिखा है ई की जगह एलिमेंट का सिंबल यूज करना है, जैसे 9 फ्लोरिन का होता था F9 लिखना है, 11 नंबर सोडियम का होता तो ये हो गया Na11, लाइक दैट यू मेक द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हो गया, उसके बाद आप सेल्स में भी दिखाएंगे सर, सेल्स में कैसे दिखाओगे, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया इक्वल टू करके ये न्यूक्लियस बना दिया, अब इसमें सेल कितने 1 2 सेल में 1 2 फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स तो 2 डॉट बना दिए, अगले में 7 1 2 3 4 5 6 7 लाइक दिस, ऐसे आप इसके अंदर करो फर्स्ट सेल हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स सेकंड हैज 1 2 3 4 5 6 7 8 अब अगला आ गया उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज द मेथड ऑफ मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन अ न्यूट्रल एटम।